एक आयाम पर चर्चा करते हैं तो फिर प्रारंभ भारत को समझने से ही लेकर करना पड़ता है, क्योंकि सत्र का जो टाइटल है उसमें भारतीय शिक्षा दर्पण पहले अर्थात वह भारत कौन सा, दो शब्द चलते हैं देश और राष्ट्र। देश की भौगोलिक सीमा होती है, राष्ट्र की भौगोलिक सीमा नहीं होती, वह संस्कृति के आधार पर तय होता है। या यहाँ की संस्कृति के चिन्ह जिन जिन देशों में मिलते हैं अर्थात ऐसा समझ में आता है कि हमारे देश की शिक्षा माने होता है शिक्षा होना अर्थात शिष्ट होना, जितना ज्यादा शिक्षित उतना ज्यादा शिष्ट। दर्शन माने उसकी ओर देखने की हमारी दृष्टि, शिक्षा कैसी हो, कितनों को हो, किसमें क्या हो क्या ना हो, ऐसी एक सार्वभौमिक शिक्षा का आदान प्रदान का केंद्र रहा है हमारे भारत। भारत का नाम ही भारत इसलिए है, भा माने ज्ञान, रत माने ज्ञान में लगे रहने का नाम ही भारत है, और इसमें रहने वाले आर्य यानी हिंदू यानी श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ क्यों है? जैसा देश वैसी वहां की संतति। महात्मा गांधी ने कहा है ज्ञान की सतत खोज में लगे रहने वाले ही हिंदू है, क्या उनका नाम हिंदू है? उनको हिंदू कहते हैं। अपने देश पर कितने ही विधर्मियों ने आक्रांत हुए और लगातार अपने पदों से पदाक्रांत किया है, हजारों हजार शब्द हुन कुषाण तुर्क मुगल मंगोल पठान अंग्रेज आते रहे, और इसलिए यह देश ऐसा देश न रहे अभी के लिए के अनुसार, इसलिए जो यहाँ की कुछ चीजें थी, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, हमारे महापुरुषों के सच्चरित्र, हमारे यहाँ का ज्ञान विज्ञान, हमारे यहाँ का आच्छादित करने वाला इतिहास, शिक्षा, पूजा के केंद्र, यहाँ के देव, यहाँ का धर्म, ये सबको नष्ट करने का काम किया, और उसी में हमारी शिक्षा भी बाला तोड़ी मरोड़ी गई, गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। ये सर्वविदित है, इसके साक्ष्य आज है, और इसलिए जब देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले ही हमारे यहाँ के मनीषियों ने शिक्षा भारतीयता से ओतप्रोत हो, भारतीय जीवन मूल्यों के इर्द गिर्द हो, जो हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसमें दोहराते हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, हिंदुत्वनिष्ठ हो, इसके लिए अपने जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनके नाना जी थे राजनारायण बसुनी, सबसे पहले उन्होंने रच गए कि भारत को यदि पुनः विश्वस्त शीर्षासन पर अगर आरूढ़ करना है तो हमको भारतीय शिक्षा भारतीय पद्धति से ही देनी होगी। और फिर यही नहीं तो इनके बाद महर्षि अरविंद, स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, स्वामी दयानंद सरस्वती, लालबाग पाप, और उनके साथ अंत में महात्मा गांधी भी स्वराज और स्वदेश की शिक्षा की चर्चा करते करते चले। यह बात यहीं तक नहीं थमी तो देश स्वतंत्रता के बाद और एक सभा के आरंभ या समापन में पत्रकारों ने और विनोबा भावे से पूछा कि देश स्वतंत्र हो गया है, स्व माने
अपना तंत्र माने अपने द्वारा योजना से चलने वाला शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार है? उस समय पर विनोबा भावे ने कहा था शिक्षा सर्वथा देशानुकूल होनी चाहिए और इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों पर संस्कृति पर आधारित शिक्षा के लिए यदि 6 माह विद्यालय एकदम बंद करने पड़े तो सरकार को करना चाहिए। जब भी विद्यालय खुले तो भारतीय आदर्शों के अनुसार ही शिक्षा का प्रारंभ।